और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। बड़ा अपडेट ये कि पुलिस ने सिंघू बॉर्डर से बैरिकेड्स हटाए, लोगों को राहत मिलते हुए नजर आएगी। बड़ी खबर है इस वक्त की और ऐसे में जानकारी आपको दे दें कि किसान नेताओं ने केंद्र से वार्ता के संकेत दिए। पंधेर ने कहा कि बैरिकेटिंग इंटरनेट रोक हटाना सही माहौल है और इसी बीच सिंघू टिकरी बॉर्डर स्थायी रूप से फिलहाल खोले हुए हैं। देखिए किसानों की तरफ से बात कही जा रही है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वो घर वापस नहीं जाएंगे। शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसान नेता सरवण पंधेर ने केंद्र से वार्ता के संकेत देते हुए कहा था कि सरकार बॉर्डर इंटरनेट खोलने का काम कर रही है, अब इस माहौल में सही से बातचीत हो पाएगी और फिलहाल प्रशासन ने बैरिकेड जो लगाए हुए थे उनको हटाया। ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए अब जरा नजर डाल लेते हैं न्यूज़पेपर्स में कौन कौन सी खबरों को तरजीह दी गई। सबसे पहले अगर फ्रंट पेज की बात करें तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से है जहां पर आतंकी हनीफ शेख गिरफ्तार हुआ है। 22 साल से फरार था सिमी आतंकी हनीफ शेख, ये बड़ी जानकारी है। दिल्ली पुलिस ने भुसावल से आतंकी को पकड़ा है, बड़ी सफलता हाथ लगी है पहचान छिपाकर। उर्दू स्कूल में टीचर बन गया था हनीफ, कई युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग देता था। आपको बता दें संगठन की मैगजीन का भी आपको बता दें यहां पर एडिटर भी ये था। ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी आतंकी हनीफ शेख की गिरफ्तारी के बाद। ये बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है, दरअसल अपनी पहचान छिपाने में ये कामयाब था और एक स्कूल में उर्दू टीचर के वेश में ये काफी दिनों से रह रहा था। ये बड़ी जानकारी बड़ी खबर आपको बता दें, हनीफ कई युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग भी देता था, ये भी जानकारी मिल रही है। प्रतिबंधित संगठन की मैगजीन का एडिटर भी हनीफ शेख था। तो बात प्रधानमंत्री मोदी की करते हैं, खबरों में बढ़ेंगे आगे। बीते दिन यानी कि रविवार को प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दौरे पर थे और द्वारका से तस्वीर निकलकर सामने आई जो प्रधानमंत्री मोदी स्कूबा डाइविंग करते हुए नजर आए। और ये तस्वीर देखिए और हर खबर हर अखबार में इस खबर का जिक्र है। मेरे पास इस वक्त हिंदुस्तान है फ्रंट पेज में इस खबर का जिक्र है, सियासत नहीं विकास किया प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और जब स्कूबा डाइविंग कर प्रधानमंत्री मोदी निकले तो उन्होंने कहा एक दिव्य अनुभव था। मोदी ने बेट द्वारका में भगवान द्वारकाधीश की पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने ओखा को बेट द्वारका से जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया और ये तस्वीर उस दौरान की जब प्रधानमंत्री मोदी स्कूबा डाइविंग करते हुए नजर आए। और देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र और फ्रंट पेज पर तस्वीर भी प्रधानमंत्री मोदी की। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सियासत नहीं विकास किया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में देश के सबसे लंबे केबल पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। तस्वीरें आपने देखी थी कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करते नजर आए और तमाम जो वहां पर लोग मौजूद थे अभिवादन करते हुए नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी का 2 किलोमीटर से अधिक है सुदर्शन सेतु की लंबाई और 4,000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। आगामी लोकसभा चुनाव है और उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ये जो बड़ी सौगात देते हुए तमाम राज्यों को नजर आ रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के दौरे पर भी पहुंचे थे और वहां पर भी काशी वासियों को बड़ी सौगात देते हुए नजर आए। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को ओखा से बेट द्वारका के बीच भारत के सबसे लंबे केबल पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों में उन्होंने सियासत नहीं सिर्फ विकास किया। संबोधन के दौरान इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया और इसी का परिणाम है कि देश में हर जगह भव्य और दिव्य निर्माण हो रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई, एक सुरक्षा कर्मी की भी मौत हुई है, दो घायल बताए जा रहे हैं। अज्ञात लोगों ने 40 राउंड फायरिंग की। बहादुरगढ़ में राठी पर हमला हुआ, लॉरेंस गैंग पर शक अब जा रहा है। तो देखिए इस तरीके की क्राइम की खबरें चिंताजनक है और इस बीच लॉरेंस गैंग के ऊपर एक बार फिर से यहाँ पर नाम आ रहा है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई, एक सुरक्षाकर्मी की मौत हुई है और वहीं दो व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं। अज्ञात लोगों ने 40 बार फायरिंग करी और इसी फायरिंग में पूरा घटनाक्रम हुआ। बहादुरगढ़ में ये हादसा हुआ है, आपको बता दें कि क्राइम को अंजाम दिया गया। देखिए हमलावरों ने झज्जर में रेलवे फाटक के पास उनकी कार पर गोलियां चलाई जिसमें राठी और उनके एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। अखबारों में इसका जिक्र है, दो सुरक्षाकर्मी घायल है। वारदात को लेकर लॉरेंस गैंग और उसके करीबी काला जठेड़ी पर भी शक इस वक्त जताया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जांच होगी और यहाँ पर देखिए राठी ने फिलहाल सिक्योरिटी की मांग की है इस पूरे मामले को लेकर। ये भी आपको बता दें कि अब जांच पड़ताल तेज होते हुए नजर आ रही है और इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं और
बदमाश जो आए थे ताबड़तोड़ फायरिंग की, गोलियों के निशान आपको गाड़ी पर नजर आएंगे। रविवार को नफी सिंह राठी अपनी फॉर्चुनर गाड़ी में तीन गनमैन और ड्राइवर के साथ कहीं जा रहे थे और नफी सिंह राठी को ड्राइवर की अगली वाली सीट आगे होती है वहां पर बैठे थे और पीछे की सीट पर उनके गनमैन थे। उनके काफिले में एक दो गाड़ियां और भी थी और लगभग 5 बजे के आसपास जब नफी सिंह राठी की गाड़ी बराही रेलवे फाटक के पास पहुंची तो I-10 कार में आए कुछ हमलावरों ने राठी को निशाना बनाते हुए अचानक से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है और देखिए 40 राउंड फायरिंग की बात यहाँ पर सामने आ रही। बहादुरगढ़ में राठी पर हमला हुआ, एक सुरक्षा कर्मी की भी मौत हो चुकी है, 2 घायल बताए जा रहे हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल होगी। इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से फायरिंग यहाँ पर की गई, बुरे तरीके से हमला किया गया। अब इसको लेकर के जांच फिलहाल होगी। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि हम पर कोई अपनी मर्जी नहीं थोप सकता, क्वाड कुछ देशों के दबदबे के खिलाफ है, ये दुनिया के विकास में भागीदार बनेगा, क्वाड कोल्ड वॉर के बाद की सोच को बढ़ावा देता है, ये कुछ देशों के एक तरफा दबदबे के खिलाफ है। देखिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई है। अब अखबारों के पन्ने जब हम पलटते तो इस खबर का भी फिलहाल अखबारों में जिक्र किया गया है और वो कहते हैं कि क्वाड कुछ देशों के दबदबे के खिलाफ है और ये दुनिया के विकास में भागीदार बनते हुए नजर आएगा। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच आपको बताएंगे बिहार से बड़ी खबर, जहां पर रफ्तार का कहर दिखाया है। कैमूर में गायक छोटू पांडे समेत 9 की इसमें मौत की जानकारी है। कार ने पहले बाइक को टक्कर मारी, बाइक के बाद ट्रक से टकराई। सीएम नीतीश कुमार ने इस हादसे पर शोक जताया। तो रफ्तार का कहर बिहार के कैमूर में देखने को मिला है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाइक पहले टकराई, बाइक के बाद ट्रक से ये कार जा टकराई। सीएम नीतीश कुमार ने हादसे पर शोक जताया है। तो रफ्तार के कहर ने 9 लोगों की यहां पर जान ले ली। गायक छोटू समेत कुल 9 लोग इस घटना में मारे गए हैं। आपको बता दें रात के समय यह हादसा हुआ और ऐसे में अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने भी इस हादसे पर संज्ञान लिया है और शोक इस हादसे पर जताया है। बिल्कुल, तो ये तस्वीर देखिए किस तरह से ये हादसा हुआ। तेज रफ्तार का कहर बिहार के कैमूर में देखने को मिला। इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई है। हालांकि पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सीएम नीतीश ने इस हादसे में दुख व्यक्त किया है और गायक छोटू समेत 9 लोगों की जान चली गई है। कार ने पहले बाइक को टक्कर मारी और इस हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। लीवर ट्रांसप्लांट करने डॉक्टर्स एयरलिफ्ट वायुसेना ने शॉर्ट नोटिस पर डोनियर भेजा और लीवर लेकर दिल्ली से पुणे पहुंची टीम। लीवर लेकर टीम को वापस दिल्ली एयरलिफ्ट किया गया जिसमें पूर्व सैनिक की जान बच पाई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पूर्व सैनिक का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है जिससे पूर्व सैनिक की जान बचाई जा सकी है और ट्रांसप्लांट करने डॉक्टर्स एयरलिफ्ट करते नजर आए। वायुसेना ने शॉर्ट नोटिस पर डोनियर को भेजा है। और देखिए इस बीच एक बार फिर से किसानों का जिक्र कर लेते हैं। आपको बता दें कि किसान नेता सरवन सिंह पंडेर का स्टेटमेंट सामने आया है। बैरिकेटिंग और इंटरनेट पर रोक हटाना सही माहौल और सिंघू बॉर्डर पर आपको बता दें कि अस्थाई रूप से खोला जाए, ये जिक्र किया गया है यहाँ पर। दूसरा जो WTO जिस तरह से उनकी, अब अमरीका तो ग्रीन बॉक्स में अपने किसान को, एक किसान को सालाना $85,000 की सब्सिडी दे रहा, हमारी सब्सिडी ₹258 है। अब देखिए दोनों का मुकाबला हो ही नहीं सकता। तो ये जो बातें हैं ये दूर करने की सवाल है। और हमारा किसान छोटा किसान, उनका किसान बहुत बड़ा किसान, तो इस सब बात को समझते हुए हमने कहा भारत सरकार को कि आप WTO से भारत को बाहर निकालें। जब तक आप बाहर नहीं निकालेंगे तब तक ये बात बनने वाली नहीं। तीसरी बात, हम पूरे देश भर में जब दिल्ली का आंदोलन चला, मैं स्वयं तमिलनाडु में भी गया, वहाँ की लगभग 70 यूनियन से मेरी बात हुई, लगभग 70 की 70 यूनियन समर्थन में आई, उनमें से तब संकेत दिए हैं। इस खबर को लेकर आगे भी आपको जानकारी देंगे।